मिड डे मील कर्मचारियों ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए न केवल शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि जल्द मांगे न माने जाने पर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों की माने तो सरकार की ओर से सातवां वेतन लागू किया गया, लेकिन सातवें वेतन से मिड डे मील कर्मचारियों को वंचित रखा गया। प्रदेशाध्यक्ष सरोज दुजाना का कहना है, मिड डे मील कर्मचारी कई बार सरकार को अपनी मांगों को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें इस पे कमीशन से नहीं जोड़ा। प्रदेशाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार समय रहते उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी यूनियन हड़ताल करेगी। हमने ये ज्ञापन इस कारण सौंपा क्योंकि जो सरकार ने साथ में वेतन आयोग की रिपोर्ट जो सिफारिश लागू की है उसमें आशा आंगनवाड़ी सबको लिया, लेकिन हमारे मिड डे मील का नाम तक भी नहीं लिया, क्योंकि आज आप देख भी रहे हैं बहनों में कितना विरोध है। और ये हमारे झज्जर जिले में नहीं, पांच जिले हमारे करनाल के अंदर इकट्ठे हुए हुए सबके दरवाजे पे, और पूरे 17 जिलों में ऐसे ही चला हुआ आज विधायकों के घेराव किए हुए हमें। और जब तक हमारा नाम ये सातवें वेतन आयोग में नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारे अंदर रोष रहेगा, और आने वाली 20 जनवरी को हम सभी हड़ताल पे भी जाएंगे। या समय रहते ये सरकार है, खट्टर सरकार है, चेत जाए कि हमारे मिड डे मील वर्कर का इसमें नाम जोड़ा जाए, जो भी मिल बनता है हमारे को दिया जाए, वरना ये बहने बहुत जोश में और होश में भी हैं। अगर जो राज्य कमेटी कोई भी आह्वान करती है तो वो उसमें हमारी बहने बिल्कुल खरी उतरेंगे। और धनखड़ साहब विधानसभा सेशन पे हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे।